जय माता रानी भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूं, जो सामान्य गृहस्थ जन बहुत ही आसानी से सरल विधि से घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे सभी को पता है कि दो गुप्त नवरात्रि आते हैं और दो सामान्य नवरात्रि आते हैं। पूरे वर्ष में गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वह तंत्र मंत्र यंत्र आदि साधकों के लिए होते हैं, और लेकिन सामान्य गृहस्थ जन भी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। यह है माघ माह के महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। जैसे कि सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन मास में आते हैं, वैसे ही यह भी आते हैं। तो इसमें माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के दसवीं तक पूरी 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये चौकी लगा रही हूँ भक्तों। ये जो चौकी है आपने ये गुप्त तरीके से लगानी है कि आने जाने वालों की नज़र इस चौकी पर नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ पर हम करेंगे श्री कलश की स्थापना। तो चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, और आप यहाँ पर पीतल का सोने चांदी का कलश ले सकते हैं, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें, कंठ में कलावा बांध लें, पंच पल्लव लगा लें। आप चाहें तो आम के पत्ते लगा सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। इसके बीच में हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी इस तरह से डाल देंगे। और यदि आप लक्ष्मी की कामना करते हैं तो आप कमल कट्टा का जो बीज आता है आप वो डाल सकते हैं। लक्ष्मी सूचक जैसे गोमती चक्र कौड़ी भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप जरूर से डालें। इस तरह से हमारा जो ये कलश की स्थापना हो जाएगी। और एक पात्र में हमने यहाँ पर साबुत अक्षत लिए हैं। अक्षत आप थोड़े ज़्यादा ही लें, क्योंकि हमें इस पूजा में अक्षत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ मैंने जटा वाला नारियल लिया है और कलावा लपेट दिया है। आप चाहें तो इस पे चुनरी भी लपेट सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। भक्तों, यह जितने भी तांत्रिक आदि होते हैं वह सभी 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो सामान्य गृहस्थ जन हैं वह इन ना 10 दिनों में माँ भगवती के स्वरूप का भी पूजन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ चावल का आसन देते हुए माता की फोटो को, तस्वीर को स्थापित किया है। आप विग्रह भी ले सकते हैं, और गणेश जी की स्थापना अनिवार्य रूप से हर पूजा में की जाती है, तो आप जरूर से करें। और मैंने यहाँ पर एक प्लेट में फूलों का आसन देते हुए धूप दीप की स्थापना की है। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए और हमें अपना सेवा करने का, पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। ये संकल्प लेते हुए हमें यह प्रार्थना करनी है। उसके बाद जल, गंगा जल से हम यहाँ पर छीटा लगा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो इसमें हमें विशेष यह बात ध्यान रखनी होती है कि यह जो पूजा होती है वह गुप्त होती है, किसी को बता करके यह नवरात्रि नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हम चैत्र नवरात्र में और अश्विन नवरात्रों में कीर्तन आदि करते हैं और बहुत ही अच्छे से, अच्छी प्रकार से, धूमधाम से मनाते हैं, बस इन नवरात्रों की जो हमारी साधना होती है वह पूजा होती है, उसे गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हमने गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे, और जो मैंने मोतियों का हार लाई हूँ माता को वो पहना देंगे और इत्र लगा देंगे। भक्तों, पूजा में इत्र का व्यवहार जरूर से करना चाहिए, क्योंकि भगवान को, सभी देवी देवताओं को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है। गणेश जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और यहाँ पर गणेश भगवान को चंदन रोली अक्षत से टीका करेंगे, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाएगा। मैंने यहाँ पर ज्वारों की स्थापना नहीं की है, यदि आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो आप वो उगा सकते हैं। मैं ये आपको सिंपल साधारण सी पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। भक्तों, ये गुप्त स्थान पे, किसी एकांत स्थान पर चौकी लगाएं जाती है, वहां पर ही पूजा की जाती है। तो आइए, पूजा विधि, पूरी विधि आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा अच्छे से देखें। और ये भक्तों, जो ये आप पूजा कर रहे हैं, संकल्प लेकर ही इस व्रत को करें। पूरे 9 दिनों का व्रत, 10 दिन का व्रत होता है, तो आप इस व्रत के बारे में किसी से बताना नहीं है, जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आपकी मनोकामना
पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, जैसे कि हमारे घर कोई आता जाता है, कोई बाहर से आता जाता है, तो व्यक्ति वहां पर आप एकांतवास में इस चौकी को जरूर से लगाएं, ताकि किसी का निगाह वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए, आप यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं भक्तों। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो भक्तों, आप हो सके तो पूजा के लिए फूल की व्यवस्था जरूर से कर लें। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। यहाँ पर पूजन हमें पहले दिन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, बाकी दिनों में हमें सिर्फ फूल हटा देने होते हैं, सूखे धूप दीप को धुल करके दोबारा से हमें पूजा करनी होती है। सुबह शाम यहाँ पर भोग प्रसाद धूप दीप दिखानी होती है, भोग लगाना होता है। यहाँ पर हम जल का भोग लगा देंगे भक्तों। इस प्रकार से हमें यहाँ पर माँ भगवती को यहाँ पर मन ही मन में यहाँ पर जाप करना है। जय माता दी, जय माता दी। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप भोग लगाएं। यहाँ पर केला, सेब, संतरा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप लगाएं। और नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी समय में आप माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले दिन भी भेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार भेंट करनी है, उसके बाद में ये पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पर रहेगी। और जो इसका मुख्य प्रसाद होता है, भोग प्रसाद जो लगाया जाता है, वो है लौंग और बताशे का भोग। तो आप अगर फल का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लौंग बताशे का भोग आप जरूर से लगाएं। और उसके बाद में अबीर गुलाल फूल में लगा करके माता रानी को, गणेश भगवान को, सभी को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। और आप यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और यहाँ पूरे नवरात्रि के 9 दिनों की कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर छोटी सी अग्यारी करनी होती है। मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कुंडा लिया है, उसमें गाय के उपले को सुलगा लिया है, और मैंने यहाँ पर सभी को जो स्नान करा दिया है, फूल समर्पित कर देंगे, चंदनओली से टीका कर लिया है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में हम यहाँ पर टीका नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले घी से 5-12 आहुतियाँ देंगे, नवग्रह के नाम की, गणेश भगवान की, माता रानी के नाम की, इस तरह से हमें लगाना है। तो भक्तों, हमें डेली माता को पूरे 9 दिनों में नए नए भोग लगाने होते हैं, नए प्रकार के भोग लगाएं। यहाँ पर बना करके भी लगा सकते हैं, मार्केट से ला करके भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अग्नि देवता को आवाहन कर लिया है, और यहाँ पर जो लौंग के जोड़े हैं, सभी परिवार वाले मिल करके घी में डिप करके इसे आहुति देनी है। तो इस तरह से हमें लौंग के जोड़े को डिप करके इस तरह से आहुति देनी है। जो भोग प्रसाद लगाया है उसमें से थोड़ा सा बताशे में घी लगा करके अग्नि में डाल देते हैं। ऐसा करने से जो भोग प्रसाद होता है माता सह स्वीकार कर लेती हैं। उसके बाद में हम यहीं पर कपूर से आरती करेंगे। यदि आपने यहाँ पर अखंड दीपक की स्थापना की है तो उससे आप आरती ना उतारें, अलग से दीपक से आरती उतार सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। आप माँ को डेली पान का भोग, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। गणेश जी की आरती उतार लेंगे, माता रानी की आरती उतार लेंगे, शीतल कर लेंगे आरती को इस प्रकार से हमें। और भक्तों, जो आपकी मनोकामना है, ये आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पूजन को करें। तो माता से प्रार्थना जरूर से करें। यहाँ मैंने हाथ में जल लेकर के मिनस लिया है। मिनसने से ये होता है, भोग प्रसाद जो माता और रानी होती है सहज स्वीकार कर लेती हैं। तो देखिए, जो घट की स्थापना है हमें शुभ मुहूर्त में ही करना है। जो शुभ मुहूर्त की तिथि है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि में पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह और शाम में नियमित रूप से दुर्गा जी की पूजा करें। एक बात का ध्यान रखें कि पूजा किसी को बिना बताए गुप्त तरीके से और घर के किसी भी गुप्त स्थान में ही करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आप 9 रंगों के वस्त्र जरूर से पहने। इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती हैं। यदि आप अच्छा वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप माता रानी को हल्दी की गांठ या पीली चूड़ियां जरूर चढ़ाएं और उसे आप अपने हाथों में पहने। इससे आपको जल्दी ही आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य रूप से लिखिए।